अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। और आज जो हमारे गेस्ट हैं, हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, ये वो हैं कि जब बिल्कुल कराची में क्रिकेट तबाह बर्बाद हो गई थी, तो इस लड़के ने आकर कराची की क्रिकेट को टैप बॉल को चार चांद लगाया। कराची की क्रिकेट, स्पेशली कराची की क्रिकेट को, लेकिन वैसे तो पूरा सिंध देखता है, पूरा पाकिस्तान देखता है इनको, लेकिन हम कराची की बात करेंगे तो कराची की क्रिकेट को इन्होंने चार चांद लगाया। रमीज, पहले तो आपको बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने बुलाया, इज्जत बख्शी। असल में मैं खुद कमेंट्री कर रहा था 10 साल से ना, ग्राउंड अपने इलाके में, तो छोटे पैमाने पे कर रहा था। एक दफ़ा मेरा दोस्त था, उसने बोला यार एक लाइव करते हैं, मेरे भाई की डेथ हो गई, उसके नाम से टूर्नामेंट कराते हैं, फर्री भाई नाम है उनका। तो मैंने बोला ठीक है, रफायम जिम खाना ग्राउंड में हम लोग कर रहे थे, तो मैंने पहली दफ़ा वो स्टैंड वगैरह लिया, मोबाइल रोटेट भी नहीं किया था, लगाया चलाया, तो कमेंट्री लोगों को बड़ी पसंद आई। तो उसके बाद से फिर जुगनू भाई ने मुझे बुला लिया कि आप आएँ, हम एक टूर्नामेंट करा रहे हैं। कराची का सबसे बड़ा टूर्नामेंट था, वो 164 टीमों का, तो उसको मैंने अकेले कवर किया था 4 महीने। सर्दी थी, बारिश हो रही थी, तो बस वो कवर करते करते अल्लाह पाक ने इज्जत दी, फिर उसको आप लोगों ने सबने लाइक किया, अल्हम्दुलिल्लाह सिंध का सबसे बड़ा पेज बन गया। जी माशाल्लाह, सिंध का सबसे बड़ा पेज है, सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं, सबसे ज़्यादा लाइक्स हैं। कहते हैं कि उमैर की कामयाबी के पीछे उमैर की मेहनत के अलावा जो है वो जुगनू भाई और कामी भाई का भी बहुत बड़ा, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। के लिए क्या कहेंगे, मतलब उन्होंने कैसे स्टार्ट करवाया आपसे? मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैं 10 साल से एक इलाके में कमेंट्री कर रहा था, कोई भी नहीं मुझे जानता था, तो फर्री भाई ने जुगनू भाई से मिलाया और जुगनू भाई ने फिर कामी भाई से मिलाया, इन तीनों के साथ बैठा, तो उन्होंने बोला कि आप इस काम को कंटिन्यू करें और आप टेंशन नहीं लें, इंशाल्लाह कराची का कोई भी आरजे नहीं है इस वक्त, हम बाहर से बुलाने पड़ते हैं, पंजाब से आते हैं या सिंध से, इंटीरियर सिंध केपीके से आते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, करता हूँ कंटिन्यू, हम लोग करते रहे। उन्होंने हर जगह बकअप किया, सपोर्ट किया, कराची में जहाँ भी टूर्नामेंट होते थे मेरे लिए बड़ी वो कॉल करते थे कि आप जाएँ, इसको बुलाएँ, और बस वो अल्लाह ने इज्जत दी है उनकी वजह से आज जो भी हैं। नहीं, टैप बॉल, क्योंकि हार्ड बॉल के जो असल में वो है कैमरे दूसरे लगते हैं, विकेट के पीछे हम बैठ नहीं सकते, तो उसके लिए हमें दूसरे कैमरों की टीम चाहिए होती है, तो हम इसको टैप बॉल पे ही कर रहे होते हैं और वो विकेट के पीछे से ही करना पड़ता है। तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? फैमिली तो बिल्कुल बोल रही थी ये क्या हो गया अचानक, तुम्हें कोई जानता नहीं था, और माशाल्लाह भी धड़ाधड़ फैन फॉलोइंग है, लोग जानते हैं, अल्लाह ताला इज्जत दे रहा है, वरना इससे पहले यकीन करें कोई भी नहीं जानता था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पंजाब में कहीं भी टूर पे जाता हूँ तो लोगों के फ़ोन आ जाते हैं, आपने जाना नहीं, आपने इधर रुकना है, इधर खाना है, ये गिफ्ट आ रहा है, कभी वो गिफ्ट आ रहा है। इंटीरियर सिंह गए तो वहाँ बड़ा अच्छा ज़बरदस्त फीडबैक मिला, मतलब ठीक ठाक लोग जानते हैं, अल्लाह इज्जत दे रहा है। अच्छा, एक हमने बच्चा देखा छोटा सा, वो आरजे उमर के बराबर में बैठा था, बिल्कुल इतना सा बच्चा, 7-8 साल है जो कि उसकी, तकरीबन 12 साल का था, 10-12 साल है जो कि उसकी, वो भरपूर तरीके से कमेंट्री कर रहा, लोग देख रहे, पूरा ग्राउंड उसको देख रहा कि एक साइड उमर है, उमर के बराबर में, तो उस बच्चे का क्या नाम है? अब्दुल हादी नाम है उसका, करोंगी का है बच्चा। और वो मुझे ऐसे पता चला कि वो फेसबुक पे वो अम्मी का मोबाइल लेके गली के अंदर घर के आगे कमेंट्री कर रहा था, छोटे 2 बच्चे खेल रहे थे, तो बिल्कुल मेरी कॉपी कर रहा था वो, तो बच्चे 3 डब्बे वाला आ रहा है, कभी कोई आ रहा था उसको गुस्से में, वो डांट डांट के उसको अलग कर रहा होता था। तो एक दफ़ा हम लोग, हामिद भाई ने टूर्नामेंट कराया वाइड ग्राउंड के अंदर, तो वो बच्चा वहीं रहता है, तो मैं वहाँ लाइव चला रहा था, वो बच्चा वहाँ आ गया, तो मैंने उसको अपने पेज पे बिठाया और उससे मैंने बोला आप एक इनिंग चलाओ पूरी, तो बड़ा वो हुआ अच्छा, कुर्सी पे भी नहीं आ रहा था, उसको खड़ा करा फिर कुर्सी के ऊपर, कुर्सी पे खड़ा होकर उसने कमेंट्री करी, तो माशाल्लाह सबसे ज़्यादा अच्छा उसका फीडबैक आया और लोगों ने उसको तकरीबन वहाँ पे मेरे हिसाब से 10-12 हज़ार रुपये उसी वक्त कैश प्राइस दिया, तो बहुत बड़ी बात थी। उस बच्चे का जो बोलने का अंदाज था, जो अल्फाज का कलेक्शन था, वो बहुत अच्छा था। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह बूस्ट मारने लगा, फिर उसने अपना पेज बनाया, लेकिन वो बच्चा है अभी, उसको आइडिया नहीं था, उसका पेज बंद हो गया बेचारे का, फिर अभी दूसरा पेज बनाया आरजे हाथी के नाम से, और माशाल्लाह अभी वो ज़बरदस्त काम कर रहा है, हमारे साथ इंटीरियर सीन भी किया था अभी। हाँ, अभी हमने देखा था कि उमर अपने साथ जो है वो सांगड़ लेकर गया, सांगड़ गया होता, तो वहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन था कि इतना सा बच्चा इस तरीके? बहुत यकीन करें, जहाँ भी वो जाता है, जिस जगह भी जा रहा है, उसको मतलब बहुत अच्छा प्रोटोकॉल मिल रहा है, और यानी कि जो मासूम सा बच्चा है वो, और बोलने का अंदाज भी अच्छा है, और बेचारा नीचे से मोबाइल पकड़ के इंटरव्यू कर रहा था, लोगों को मज़ा आता है, एंजॉयमेंट होती है, और लोग बड़ी इज्जत देते हैं उसको, मतलब बड़ा ख्याल रखते हैं उसका। अच्छा, उमर ने सिर्फ कमेंट्री की, क्रिकेट क्यों नहीं खेली? क्रिकेट मैंने खेली है, क्रिकेट मैंने 2 साल खेली, टीम चलाई है, और अल्हम्दुलिल्लाह 16 टूर्नामेंट जीते हैं 16 टीमों के, जिसमें मेरे लांडी और करंगी के लड़के आते थे मेरी टीम से खेलने मलीर में, मैं मलीर का रहायशी हूँ। तो उसके बाद जब इस काम में लगे तो फिर खेलने का टाइम ही नहीं मिला,
क्योंकि जब मैच की कवरेज करो फिर रात में जाओ तो प्लेयर्स के फ़ोन आते हैं, भाई वीडियो तो लगा दो, वीडियो तो लगा दो, तो वो वीडियो, फिर टूर्नामेंट की प्रमोशन, फिर उसकी मीटिंग, फिर एक टूर्नामेंट आगे डिज़ाइन करना, तो उसमें भी टाइम ही नहीं मिल रहा है। रात में हम सोते हैं 3-4 घंटे के लिए, फिर सुबह से कवरेज पर। मैं ऑल कराची लेजेंड के प्लेटफॉर्म पर, आप अकेले हैं, आपकी टीम है और भी लोग? नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ तकरीबन आप समझें कि 6 लड़के जो हैं वो मेरे साथ टीम के लड़के काम कर रहे हैं, बाकी 3 सीनियर हैं जिसमें कामी भाई हैं, फर्री भाई हैं, जुगनू भाई हैं, ये हमें लीड कर रहे होते हैं। बाकी मेरे साथ आरजे इबाद है जो मेरे साथ पेज पाया था, आरजे उसामा है वो भी कोरंगी का है, उसको भी मैं लेकर आया था। उसके बाद साकिब है लांडी का, उसको लेकर आया। अब्दुल्ला है नॉर्थ कराची का, सैफ है नॉर्थ कराची का, और एक बच्चा मलीर का है जुनेद। हम सारे लड़के मिलके इस पर काम कर रहे हैं। अदील है हमारा, फोटोग्राफर भी है और एडिटर भी, वो सारी मिक्सिंग वगैरह एडिटिंग करता है, वो लांडी का है वो भी। अच्छा, अदील भाई का मैं बताता चलूँ कि जहाँ टूर्नामेंट हो रहा होगा अगर वहाँ उमर पीछे खड़ा होंगे तो अदील भाई ग्राउंड में घूमते रहे थे आपको, कभी वो बॉलर के पास होंगे, कभी कीपर के पास होंगे, ऐसा ही तो उनकी बहुत मेहनत है। बिल्कुल, असल में वो मैं एक दफ़ा टूर्नामेंट कवर कर रहा था लांडी में, तो ये मेरे पास आके बैठा तो बोला है मैं फोटोग्राफर हूँ, आप तस्वीरें वस्वीरें खिंचवाते हैं ना टूर्नामेंट में, तो मुझे बुला लिया करें। तो मैंने बोला आ जाना। मैंने उसको एक टूर्नामेंट दिया, उसका मतलब उसको प्लेयरों का पता था, असल में जिस चीज़ का जिसको पता ना वो काम अच्छा करता है। अब उसको प्लेयर का पता था कि किसकी के लिए कहाँ से करनी, तो उसने सारे प्लेयर, हम उसको ग्राउंड में छोड़ देते, एक दफ़ा भी नहीं बोलते यार इसकी ले ली इसकी ले ली, उसको पता है किस किस के लिए, वो सारी तस्वीरें वगैरह लेके हमें दे रहा, तो बड़ा ज़बरदस्त अच्छा लगा। अब वो लेता भी माशाल्लाह 1000 तस्वीरें था वो डालना आजाद, तो हमने उसको एडमिन ही बना दिया, खुद लो खुद डाल दो। वो माशाल्लाह उसको हर कोई बुला रहा है बड़े बड़े टूर्नामेंट में। अभी BSL हुआ था, खुर्रम मजीद भाई ने कराया था, उसके अंदर वो था, सैम लैंड हुआ उसके अंदर वो था, मतलब वो हमारी टेबल की टीम इंडस्ट्री का हिस्सा बन चुका है माशाल्लाह, हर कोई उसको बुला रहा होता है। BSL की बात की तो BSL में सब दिखे सिवाय उमर के, बस वो थोड़ी कुछ वजूहत थी उसकी वजह से नहीं दिख पाए। नहीं नहीं, वो हो जाता है, टेप बोला कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह अगली दफ़ा आपको दिखेंगे उसमें और ऊपर से दिखेंगे इंशाल्लाह। एक टूर्नामेंट चल रहा था, सेमीफाइनल चल रहा था, उमर ब्रॉडकास्टर थे और जो है सैयद नासिर बैटिंग कर रहे थे, जहीर गालियां कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे वो क्या हुआ था असल में, वो ग्राउंड एक तरफ था और वो एक टीम फील्ड वाली एक साइड पे, असल में कराची बा मुकाबला पंजाब हो गया था वो मैच, और अली भाई की टीम थी जिसके अगेंस्ट वो कराची के सारे स्टार थे जिसमें असद थे, बहादुर थे, दाऊद थे, अशरफ भाई अगेंस्ट में थे और सैयद नासिर, दानिश भाई की टीम थी कुरंगी स्पोर्ट्स। नहीं नहीं नहीं, उसमें असद दाऊद नहीं थे, मैं बता रहा हूँ ये वो फाइनल में थे और दानिश भाई की टीम थी कुरंगी स्पोर्ट्स की, सैयद नासिर स्ट्राइक पर है और जहीर गालिया गेंद कर रहे थे, चेस कर रहे थे वो, तो छोटा सा टारगेट था, छोटा सा टारगेट था, ग्राउंड भी छोटा था, लांडी सोशल ग्राउंड के ऊपर से ही मेरी इज्जत बनी है, पूरा पाकिस्तान में जाना है, सबसे ज़्यादा व्यूज़ पूरे सिंध के अंदर वहीं पे मेरे आए थे। और वो टूर्नामेंट जब हो रहा था तो आप यकीन करें हमने रात एक दिन पहले रमीज़ भाई उसको इतना ज़बरदस्त हमने प्लान किया था कि हमने रेंजर्स तक को हमने बोला था कि स्टैंड बाई पर रखेंगे, हमें पता था इतना क्राउड आएगा और आपके सामने क्या हुआ कि क्राउड आया तो संभल नहीं रहा था, गलियां भी फुल हो गई थी, ग्राउंड भी फुल हो गया था, दीवारों पे भी लोग थे, घरों की छतों पे भी लोग ने गेट खोले थे कि छत पे आ जाएं, फिर भी क्राउड ज़्यादा था। फिर हमने क्या करा था, एक दिन पहले उसकी बाउंड्रियाँ छोटी करी मस्जिद के, भाई खुदा के वास्ते लोग अंदर बैठ जाएं, उसके बावजूद भी सैयद नासिर आते हैं, बॉल करते हैं जहीर भाई और 3 पे 3 छक्के लग जाते हैं और क्राउड आपे से बाहर हो जाता है, इतना शोर इतना क्राउड जैसे स्टेडियम में मैच हो रहा। लेकिन फिर वो चौथी बॉल पे अशरफ भाई उनको कंटिन्यू कह रहे हैं कि आप इसको शॉर्ट पिच करो या आउट हो जाएगा, तो जहीर भाई बोलते हैं तू जा यार तू जा यार, 3 नीचे करी, अशरफ भाई ने बोला भाई तू कराता रहे, फिर हम लोग मैं विकेट के पीछे था हम हंस रहे थे, चौथी बॉल उन्होंने ऊपर करे और फिर सैयद नासिर जो है वो आउट हो गया था। लेकिन बहुत जहीर भाई की बॉल पर आउट हुए थे, सैयद नासिर सब सेट था, लेकिन वो मैच का जो टर्निंग पॉइंट था ना वो एक तैमूर मिर्जा का रन आउट था, रन आउट था, पासिंग रन आउट था अशरफ भाई, मतलब के क्लास थी उस रन आउट की, अगर वो रन आउट ना होता तो गेम टू खत्म, गेम भी खत्म। और नईम गुल ने जिस तरीके से उसमें ओवर कर दिया था 8 रन का, वो इनायत लेफ्ट ही क्रीज पे था, मैच जीत चुकी थी करूंगी स्पोर्ट्स को, पूरा जहनी तौर पे मतलब कोई भी बोलेगा कि इतना बड़ा मैच था पूरा शोल्डर डाउन हो गया था। लेकिन देखें पंजाब की मैं आपको बताऊं ना क्वालिटी है, आपने देखा होगा सैम लैंड में 2 रन चाहिए थे, जहीर भाई बॉल कर रहे थे, उनके शोल्डर डाउन नहीं हुए थे, वो हिम्मत नहीं हारते, वो आखिरी बॉल तक लड़ रहे थे, वो मैच जीत गए, सब बोल रहे थे कोई नूर जीत गई, वो मैच जीत गए। तो सैम पे सोशल ग्राउंड के अंदर भी जब 8 रन चाहिए थे तो जहीर भाई ने जाके तैमूर ने समझाया कि हम मैच हारे नहीं हैं,
हम 2 रन से 1 रन से मैच जीत जाएंगे, मतलब नईम गुल एक यंग टैलेंट था, इतने प्रेशर में वो नहीं खेला हुआ था, ना उसके पास एक्सपीरियंस था, मगर उसको गेन करने वाले, उसको समझाने वाले इतने बड़े स्टार मौजूद थे, उन्होंने जब समझाया। अब आप देखें कि इनायत लेफ्टी को पीछे से सारा उसकी टीम मेरे साथ खड़ी हुई थी पीछे, कंटिन्यू बोल रही है कि तुम सिंगल ले लो, तुम सिंगल ले लो। अब बंदे पे जब बुराई आई होती है तो वो कह रहा है कि मैं उस तरफ मारूंगा छक्का, जब भाई बोले उस तरफ मारूंगा छक्का, और वो फिर बॉल डॉट हो गई और वो जीत गए। तो बस ये क्रिकेट है भाई, क्रिकेट किसी की नहीं है, प्रेशर का गेम है, जो उसको हैंडल कर ले वो जीतता है। अच्छा उमर मुझे एक बात बताएं कि आपके अलावा बहुत सारे ब्रॉडकास्टर ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, जिसमें एक है दानियल महमूद। तो हमारे उस्ताद हैं, दानियल महमूद मेरे इलाके में रहते हैं, और क्रिकेट अगर मैंने सीखी है या इस शोबे में आया हूँ तो दानियल भाई के तवसुस से आया हूँ, क्योंकि दानियल भाई जब हम खेलते थे तो दानियल भाई को खेलता हुआ दिखते थे, और उसकी क्वालिटी थी बोल बोल के वो इलाके में छक्के मारता था, मेरी टीम से भी खेला है, हमने बहुत टूर्नामेंट खेले लांडी कुरंगी में आके। तो उसको मैं बार बार बोलता था कि आप में अल्लाह ने हुनर दिया है, गॉड गिफ्टेड हो, आप अपने आप को यूटिलाइज करो। तो कहता था यार मुझसे बैठ के ना ये काम नहीं होता, मुझे इधर उधर भागने का शौक है। बहरहाल फिर मैंने जब पेज बनाया तो उस पर उसने लोगों ने उसको फ़ोन कराया और उमर भाई से पोस्ट लगवा दो, उमर भाई से वीडियो डलवा दो, ये कर दो। वो रोज़ मेरे पास शाम में आ जाता था यार, तस्वीर खींच लेता था, बोलता ये देख मेरा दोस्त है भाई ये। तब उसको TRP का पता चला कि यार ब्रॉडकास्टर को इतने फ़ोन आ रहे हैं, इतनी इज्जत मिल रही है, तो बोला मैं क्यों ना करूँ। फिर उसने बोला यार मैं पेज बना रहा हूँ, मैंने बोला आप पेज बनाओ और पेज बना के उसको यूटिलाइज़ करो। और फिर जो कि असल में आपको बताऊं, ग्राउंड कमेंट्री कराची में फुकदान था, कराची में कोई कमेंटेटर था नहीं। मैं इसको बोल रहा था कि आपके पास बहुत हुनर है, आपके पास अल्फाज हैं बोलने के, ये बोलता तू मजाक कर रहा है यार, ये है वो है। आज आप देखें आज वो कहाँ है, आज तो माशाल्लाह दानियाल वो इंसान है कि कहीं भी टूर्नामेंट हो रहा है आपको दानियाल दिखेगा, और साथ साथ टूर्नामेंट को बूस्ट करता है, टूर्नामेंट को उठाता है, क्योंकि उसके अंदर हुनर है। मैं उस चीज़ को जानता था, और वो ये समझता था कि मैं शायद उसको मतलब कि ना वो कर रहा हूँ, वो मजाक कर रहा हूँ। तो वो फिर आज वो अगर आपसे आप उसका इंटरव्यू लें या अगर आपकी मुलाकात हो, आप पूछेगा कि उमर ने आपको क्या बात बोली थी, वो आज भी ये बोलता है कि यार वाकई वो तुम्हारा जुमला मुझे याद है। उसको मैं बोलता था आसिफ बुखारी भाई को आप देख लो, दाऊद बोज को देख लो, मेहर आरिफ सियाल भाई को देख लो, इनकी कमेंट्री देख लो, और आप अपने अल्फाज का चुनाव देख लो। थोड़ा सा ये भी बता दें कि कराची के टूर्नामेंट में और पंजाब के टूर्नामेंट में क्या फ़र्क है। बहुत कड़क सवाल किया है अपने। पंजाब का टूर्नामेंट तो भाई अभी तक तो कोई उसका जो है ना नेमो बदलनी है, और कराची इसमें नो डाउट बहुत पीछे है, क्योंकि देखें कराची के अंदर 3-4 किस्म की कैटेगरी है जो टूर्नामेंट करा रही है ना, उनका किसी का मकसद होता है कि टूर्नामेंट की हाई मिल जाए, और एक का मकसद होता है कि पैसे कमाए जाए, टूर्नामेंट से पैसे कमाए जाए। बिल्कुल पंजाब है कि वो टूर्नामेंट होते हैं तो उसमें तो पैसे लगते हैं, पैसे कमाते कैसे हैं? ये बहुत बड़ा हुनर है असल में। देखिए पंजाब के अंदर जो है ना, नहीं ये लोग पैसे कमाते कैसे, मैं आपको वही बता रहा हूँ। मैंने देखा है कि मतलब उनके खुर्रम मजीद के 30-40 लाख रुपए लगते हैं। बिल्कुल लगे होंगे। सैमलैंड वालों को कितने पैसे लगते हैं? 25 लाख रुपए का टूर्नामेंट था सैमलैंड का। मैं यही कह रहा हूँ कि देखें ये 2 टूर्नामेंट हुए, पूरे पाकिस्तान ने वो टूर्नामेंट देखा, वो टूर्नामेंट मशहूर हो गया, टूर्नामेंट की हाइप चली गई। खुर्रम मजीद भाई ने टूर्नामेंट कराया, और वहाँ पे जो सैमलैंड का टूर्नामेंट होता है अली भाई ने कराया, उस टूर्नामेंट में जेब से पैसे लगने 20 लाख 25 लाख 30 लाख रुपये स्मार्ट अमाउंट लगा, तो वो टूर्नामेंट हाइप क्रिएट कर गया। ठीक है, क्राउड भी आया, TRP भी आई, पूरे पाकिस्तान के स्टार भी आए, पूरी दुनिया ने देखा कि वाकई कराची की क्रिकेट उठ गई है, कराची का टूर्नामेंट उठ गया, यहाँ से उठा के आपकी जेब से पैसा लग रहा है। जो दूसरे टूर्नामेंट कराची में हो रहे होते हैं जिसके अंदर अगर 10,000 रुपये एंट्री है तो 60,000 दिए जा रहे हैं, 20,000 रुपये रखे जा रहे हैं, 30,000 रुपये रखे जा रहे हैं, विनर रनर भी कम दिया जा रहा है, साथ साथ ग्राउंड के अंदर एनवायरनमेंट नहीं है, ग्राउंड कमेंट्री नहीं है, फोटोग्राफरी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, 10 मामलात होते हैं, और ना कलर किट होती है। तो ये टूर्नामेंट इस वजह से कराची पीछे। पंजाब का जो भी टूर्नामेंट होगा उसमें रनर विनर हमेशा एंट्री से बढ़ के दिया जाता है, चाहे छोटा टूर्नामेंट हो या बड़ा टूर्नामेंट हो। वहाँ पे एक चीज़ है कि वहाँ पर जो स्पॉन्सर्स हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वहाँ के स्पॉन्सर्स जो हैं वो प्लेयर को अलग पैसे देते हैं। आपने देखा होगा अक्सर पंजाब में जब भी छक्के लगते हैं 200-300 लोग आ जाते हैं पैसे देने के लिए। ये चीज़ आपको कराची में क्यों नहीं नज़र आती कि अगर असद शाह या दाऊद पठान या बहादुर कोई 2-4 छक्के मारते हैं, इतनी कंडीशन के ऊपर इन्होंने हारे हुए मैच जितवाएं, इनके ऊपर पैसे क्यों नहीं निछावर किए जाते, इनको पैसे क्यों नहीं दिए जाते।